हम सफर न हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो आइए निकालते हैं इस पाँव के कांटे को। जिंदगी और तेज रफ्तार जीवन चक्र में फंसे मानसिक चक्रों के चुभने वाले इस कंटक को एक रूहानी सफर से, जो आपके मनोमस्तिष्क को एक नई ऊर्जा भरने में सहायक होगी। सोलो ट्रेवल्स है और सबसे पहले चीज की आप गाड़ी चला रहे हो तो नियमों का ख्याल रखें, सेफ्टी बेल्ट जरूर लगाएं, कोरोना काल है इसलिए मास्क का जरूर प्रयोग करें। जब मैं गाड़ी में रहता हूं तो मैं इसका, ये गमछा है, अभी मैं बोलने के लिए इसको नीचे करता हूं ताकि मेरी आवाज आप तक जा सके। पब्लिक प्लेस पर जब भी मैं उतरता हूं तो मैं इसको हमेशा इसका इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि हमारी जो ट्रिप है वो जंगल की है इसलिए लोगों से कहीं ना कहीं दूर ही रहते हैं। मनोरंजक जो जंगल है उनको दिखाएंगे और उसके बाद कैंपिंग भी आपको दिखाएंगे और फिर आपको मटन चिकन हाँ अपना जो यूज बनाएंगे वो सब आपको दिखाएंगे और इसका आपको बहुत आनंद मिलेगा। मैंने काफी सारी चीजें जो आपको पहले बता रखी हैं और कुछ नज़ारे आप देखते रहिए, बीच बीच में जो वीडियो में होगा वो सारी चीजें हम आप बताते रहेंगे। बीच बीच के नज़ारों का पूरा आनंद लिया करिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करिए, वीडियो देखते रहा करिए। और सबसे बड़ी बात, घूमिए जनाब, घूमते रहिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है। पिछली बार हमने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में अपने कैंपिंग और कुकिंग के सफर को आपके रूहानी राहत देने वाले का प्रयास किया था। आज मैं फिर से एक नई और तरोताजा जगह से रूबरू आपको कराते हैं। मुख्यालय से 20 किलोमीटर आगे सोन नदी के किसी सुंदर जगह की खोज में मेरी तलाश जंगल और नदी दोनों का सम्मिश्रण था। पटवत के अंदर के रास्तों से कच्ची सड़कों और वन वे रोड पर फिर से मैं सोलो ट्रिप पे हूँ। तो रुके, आपको यहाँ की कैंपिंग अपनी जो मुझे करनी हो मैं दिखा दूँ। और इस समय जो समय हो रहा है वो घड़ी में इस समय जो है 8:20 हो रहा है, तो इस समय से हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और पूरी यात्रा कम्प्लीट होने तक इस वीडियो में कंटिन्यूस बने रहिए और बहुत मजा आएगा आपको। थे उन घड़ियों में रोएं क्यों, वक्त के साथ आप हर चीज को सेविंग करके रख सकते हैं, बैंक बैलेंस बना सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, हर चल और अचल संपत्ति की बचत कर सकते हैं। बस एक चीज है जिसकी सेविंग आप नहीं कर सकते और वो है वक्त, यानी समय। आप अपना कल नहीं सेविंग कर सकते और न ही अगला आने वाला दिन भी आप सेविंग करके रख सकते हैं। आपके पास वक्त के रूप में आपका आज है और अभी।
बढ़ते ये रास्ते, सफर, हर कुछ बेसकीमती है और मुझे एक अच्छी जगह मिल गई जहाँ एक ओर हरे बड़े पहाड़ और एक ओर सोन नदी का खूबसूरत नजारा है। और अब मैं यहीं अपनी कैंपिंग को पूरा मूर्त रूप दूंगा और इस सारे नजारे को अपने कैंपिंग थ्रू के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये चीजें आपको कभी भी नेचुरल बाइकर पे नहीं मिलेगी, किसी शहर में नहीं मिलेगी, नोएडा में नहीं मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगी। आपको ऐसी जगहों पे आना है और आपको ऐसी जगहों पे आ करके इन चीजों को देखना है, समझना है और इस तरीके से जिंदगी को अपने आप में एक खूबसूरत मुकाम देना है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे जब आप घूमेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत बनेगी दोस्तों। मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको ऐसे जगह पर ले आए और इन सारी चीजों को आपके सामने रख करके और आपका मनोबल जो है वो ऊंचा उठाए। पहले कैंप को टाइट कर लेते हैं, ये कैंप जो हमारा है वो खड़ा हो जाए। बरसात के समय में इसका ख्याल रखना पड़ता है और कैंपिंग टूर में इसका बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। ये एक सिरे से ये आपका तैयार हो गया। अब इस तरीके से करके हम इसको पूरा, ये हमारी जो कैंपिंग सेट है वो पूरी तरीके से तैयार हो गई है, अब एकदम बढ़िया। और आज इरादा भी यही था कि आज जंगलों में नहीं बल्कि कहीं नदी के किनारे, तो मुझे वो मिल भी गया और दूरी बहुत तय करनी पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं है। कैंप के अंदर मैं आपको ले आ दूँ यहाँ पे, इसकी बरसात होने ही वाली है। कैंप के अंदर आप हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ सब हमारी जो सामान वामान है सब इसमें, ये आप देख लीजिए, ये सब जो कैमरे वमरे हैं सब उनको यहाँ व्यवस्थित कर लिया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो है ये आग जलाते रहिए, आग यहाँ पे आग जलता रहेगा तो आग जो जलेगा उसी से आपकी बाटी भी पकेगी। बहुत खूबसूरत और इतना सुंदर मौसम है, बढ़िया नदी।
और ये इसके बाद यहाँ जो बनेगा वो यहाँ बनेगी बाटी। लोकेशन ये है बहुत प्यारी और बड़ी ही खूबसूरत सी, आप देख सकते हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा देख करके कि आपने कितनी खूबसूरती से इस चीजों को प्रयोगा है। दोस्तों मेरा कहना सिर्फ आपसे यही रहता है कि आप जिंदगी के इस एक नजरिए को एक बार अपनी नजरों से देखिए, एक बार अपने मन से इसको महसूस करिए। बहुत सारी चीजें हैं, मैं जूम यहाँ करना तो चाहता हूँ लेकिन करूंगा तो वीडियो फट जाएगा, लेकिन आप चाहे तो इसको रोक करके इसको देख सकते हैं। तो भैया अब मेरा बाटी बनके एकदम तैयार है, आप एकदम बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत बना करके एकदम से बाटी एकदम फट गई है। आप एकदम ध्यान से देखिए मस्त। उसके बाद ये हमारा चिकन हांडी, ये भी पक के एकदम तैयार हो गया है। और जरा सा खोलिए भाई, हाँ जरा दिखाइए, अब ये इसको भी देख लीजिए, एकदम एकदम पक्के एकदम तैयार एकदम बढ़िया, आप देख सकते हैं एकदम मस्त बन गया है, बढ़िया एकदम खूबसूरत। लोकेशन और चीज़ें, हर चीज़ हमें आपको बतानी पड़ती है, और अगर आप सोलो ट्रेवलर्स हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन होता है। तो हम आपको ऐसे ही बताते हैं कि कैंपेनिंग ऐसे होती है, कहीं भी आप जाएँ तो कहीं कोई समस्या नहीं है। जंगल पहाड़ है थोड़ा जानवरों का ख्याल रखें, अगल बगल में जो लोग हैं आप उनसे पूछ लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि अच्छी सी चीज़ें यहाँ बन जाती हैं खूबसूरत। यहाँ का जो लोकेशन है, मैं जहाँ खड़ा हूँ उसे दिखा दूँ आपको, ये पूरा पेड़ है इस तरीके से, ये आप देखेंगे एक बहुत खूबसूरत एकदम। आप लाइफ को कैसे हायर करें या जिंदगी को कैसे जिए, हम आपको ये सिखाते हैं एक कैंपिंग के दौरान कि आप अपनी ही जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप एक बार चाहे सोलो ट्रेवलर होकर के अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं। कहीं ऐसे ही जिंदगी में आप यहाँ आकर के अपनी जिंदगी को विलिप्ट करिए और आपको लगेगा कि वाकई हम कोई एक नई जिंदगी जी रहे हैं। और यही समझाना यही सिखाना मेरा मोटिवेशन क्या है, मेरा मोटिवेशन ही अलग तरीके का है। हम आपको मोटिव ही इस तरीके से करते हैं जहाँ पे आपको चीजें बेहतर लगे, अच्छी लगे, जो आप कर सके, जो पॉसिबल हो। माइंड को माइंड से मिलाना, माइंड को हार्ड से मिलाना, ये तो हमारे शब्दावली में है नहीं, ये मैं आप लोगों को भी समझा नहीं सकता। कोई आदमी माइंड को हार्ड से कहाँ से मिलाएगा और कोई कहाँ से मिलाएगा। भाई जिंदगी में जब हम खुश रहेंगे और कोई अच्छे चीज पे इम्प्रूवमेंट करेंगे तभी तो हम खुश रहेंगे, तभी तो हम जिंदगी की अच्छे परिभाषा को सीखेंगे। तो कहना सिर्फ इतना है, मोटिवेशन इस पूरे ब्लॉग में सिर्फ इतना है आपके लिए कि लाइफ को इसी तरीके से अपने अंदर कवर कीजिए, और जब आप ऐसी जिंदगी को जिएंगे तो आपको एक बेहतर जिंदगी मिलेगी, और बस यूं ही। और मेरी टैग लाइन है यहाँ की जिंदगी और दुनिया, दुनिया बहुत खूबसूरत है दोस्तों, घूमना सीखिए बस, बहुत बहुत प्यार। तो भैया क्या है कि अब भोजन पानी हो गया तो थोड़ा हम आराम करेंगे और दो चार पाँच घंटा यहाँ आराम करेंगे, हमारे कंप्यूटर भी गाड़ी में जाएंगे। ये
खूबसूरत तस्वीरें दिखा सकूं, और मैं वो सारे शॉट्स लेने में कामयाब रहा। बीच के सफर में हमने कुछ शॉट्स ड्रोन और DSLR की 4K रिकॉर्डिंग के सेट्स दिए हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूं ताकि आप इन नजारों का आनंद ले सकें। कभी मैं आपको मोटिव कैसे कर सकता हूँ, मैं आपको ऐसे ही मोटिव करता हूँ। और मेरा पूरा ब्लॉग शुरू से लेकर अंतिम तक आप देखिएगा और आप जिंदगी में ऐसे ही खुश रह सकते हैं। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है एक कमरे में जाके आपको माइंड और दुनिया भर की चीज़ें समझाऊँ, मेरे पास ऐसी चीज़ है जहाँ पर मैं आपको लेके जाऊँ जो आपका दिल भी एक्सेप्ट करे, आपका मन भी एक्सेप्ट करे और लोग भी एक्सेप्ट करे। और इसको एक्सेप्ट करके जब आपका दिल और मन खूबसूरत बनेगा तो मेरा मानना ऐसा है कि आप जरूर एक अच्छे जगह पे पहुंच जाएंगे, एक अच्छी चीज़ को अपने मन में ले आएंगे और एक बेहतरीन चीज़ को सीखेंगे। आज मैं जहां आया हूं ये वीक और लास्ट पॉइंट है, लेकिन इस पूरे वीडियो को आप लगातार देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न करना ये आपके ऊपर है, आपका दिल करे तो आप सब्सक्राइब करिए, आपका दिल ना करे तो मत करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इतना कहेंगे कि कम से कम खुश तो रहिए, खुश रह करिए दोस्तों। आपकी खुशी के लिए ही सब कुछ शूट करता हूँ, सब कुछ मैं बनाता हूँ। सब्सक्राइब करना न करना हमारा ये मकसद नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप हमको प्यार करेंगे, हमारी चीज़ों से आप जुड़ेंगे तो हमें लगता है कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही जाऊँगा। अगर इस दुनिया में आया हूँ तो आपके लिए कुछ तो बेहतर कर जाऊँगा, और यही आप सभी लोगों का मेरे लिए अत्यंत और ढेर सारा प्यार होगा। रहेंगे दर्द जीवन में तो खुशी का इंतजाम क्या होगा, निकल पड़े हैं जो बदलने खुद को, न जाने इस सफर का अंजाम क्या होगा। दर्द जीवन से शुरुआत की थी, अंजामे सफर से आगे पुनः सामाजिक जीवन में मैं वापस लौट रहा हूं। अकेले नहीं, एक भरपूर ऊर्जा के साथ, जहां मैं एक सामाजिक जीवन में लौट करके एक नई ऊर्जा से, नए तरीके से अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। एडवोकेट अशोक कुमार सिंह नाम है हमारा, और आप देख रहे थे एवरीथिंग पॉसिबल। बहुत बहुत आभार मित्रों।